जा चुके हैं। कश्मीर में सर जो आपने देखा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि कुछ लोग तो साथ में कहते हैं मादरद के साथ, इतने बड़े जलसे या अवामी पिजराई मियां साहब की भी नहीं थी, मादरद के साथ कहते हैं, जो मरियम नवाज को अवामी पिजराई मिलती है। आने वाला वक्त फ्यूचर कैसे देखते हैं मरियम नवाज साहबा, मियाँ साहब की वो अगर लफ्ज जानशीन इस्तेमाल किया जाए तो जानशीन है आने वाले वक्त में, दूसरी विदेश बनेगी इस मुल्क की? संदेला साहब, अगर मेरी राय आप लेना चाहते हैं तो मेरी ये इनफरादी राय है और जी मैं इस राय में कोई बुखल नहीं करूंगा। मैं जी आपको अपने दिल की बात कहूंगा। मरियम हमारी बेटी है और मेरा उससे बड़ा प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता है। हमारी रोजी बात भी होती है। मियाँ साहब से भी बड़ा अकीदत का मेरा रिश्ता है, रोज हाल अहवाल भी पूछते हैं। मैं महसूस करता हूं कि लीडर्स जो होते हैं जी, ये किसी कोठाली के अंदर नहीं बनाए जाते, किसी मिल, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी टेक्सटाइल के अंदर नहीं बनाए जाते। लीडर्स के अंदर कुछ तो अल्लाह ताला चीजें डालता है फितरी तौर पे, और फिर कुछ चीजें हैं जो अवाम नास की पजीराई जब उन्हें मिलती है तो वो खुद ब खुद पैदा हो जाती। टेस्ट केस यही होता है, मरियम इस टेस्ट केस में पूरा होता। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है कि जिस दिन मरियम घर से निकल रही थी और वो पेशी के लिए जा रही थी JIT के अंदर, जो मियाँ साहब के पानामा के हवाले से बनी थी, और मरहुमा बेगम साहिबा जिंदा थी, वो कुराने पाक का एक नुस्खा उठा के लाए, मरियम सर पे रखा। मैंने एक तस्वीर बनाई उसकी, जो बड़ी यादगार तस्वीर है, अब तक वो उसे याद करती है। वो गाड़ी में बैठने लगी, मियाँ साहब भी खड़े थे, हम दो तीन आदमी ही थे। तो मैंने कहा, मियाँ साहब मुझे यूं लगता है कि जो -1 की कोशिश कर रहे हैं आपको हटाने के लिए, आज उन्होंने +1 कर दिया। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा कि देखें, आज का दिन जो है ये मरियम की सियासी तारीख का पहला वर्क उल्टा गया है, और ये इसने नहीं उल्टा, ये आपने नहीं उल्टा। मैं जानता था कि मियाँ साहब मरियम के सियासत के अंदर आने के कोई हामी नहीं थे, वो इस चीज को पसंद भी नहीं करते। जब बात होती थी, मसलन मुझे याद है मरी में हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई, जब हल्का खाली था लाहौर का, बेगम साहिबा को टिकट दिया उन्होंने, तो मैंने कहा, मरियम मौजूद थी उस वक्त, के आप मरियम को क्यों नहीं देते टिकट की? तो मियाँ साहब कहने, नहीं, देखिए साहब चीज जान दो, बस ऐसे ही है साड़ी सियासत है। तो मरियम अपनी कुवत के बलबूते पे, अपनी सोच के बलबूते पे, अपने अवाम की पजीराई के बलबूते पे सामने आई। हालात तो वाकयात ने उसको लीडर बना दिया। मैं यकीनन उसका मुस्तकबिल देखता हूँ। जो लीडर की एक खसूसियात होती हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। वो निडर है, वो बेबाक है, वो मामलात का शऊर रखती है, वो एक ऐसे खानदान में पली बड़ी रही है जिसका बाप 3 दफा वजीर आजम रहा है, वजीर आजम हाउस के इन्स एंड आउट्स को जानती है, उसका मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन है, बोलती बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो राय लेने में, बात सुनने में कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती। यही खूबियां होती हैं। तो मैं उसके लिए दुआगो भी हूँ, उसका फ्यूचर यकीनन मैं देखता हूँ। वो एक नेचुरल तरीके से उभर के सामने आई है, और मुस्लिम लीग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके पास एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा असासा है जो मुस्लिम लीग को नई जिंदगी दे सकता है और उसको